Hello guys, welcome to my channel. My name is Abhishek and in today's video we'll discuss sorting a singly linked list. Guys, ये हमारा linked list का series चल रहा है, interviews के लिए भी important है. इसमें पूरा मैं program अच्छे से समझा रहा हूँ. So हमने traversal discuss कर लिया है और creation कैसे होती है ये हम videos देख चुके हैं. और हमने basics की हमारा linked list क्या होता है, कितने type की होती है, अच्छे से पूरा इसका advantage, disadvantage सब देख चुके हैं. So now ये हमारा fourth video, now let us start sorting a singly linked list. इसमें हमें क्या करना है, एक आपको linked list given है, suppose मैंने already बना के रखी है ताकि time से वो हमारा, तो हमको इसको सॉर्ट करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, वट एवर में भी द केस. हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लेके चलते हैं. तो हमें सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे जो है, सपोज इसमें हमारा आठ है ना, एट है, तो हमको सबसे उसको बिगनिंग में लाना है और ऐसे ही करते करते हमें इसको सॉर्ट करना है. सो कैसे करेंगे हम, अप्रोच क्या होगी, अब हम देखते हैं. गाइज, हमने सीखा था कि जो भी हमारी लिंक लिस्ट होती है उसके सबसे पहली नोड को हमारा एक पॉइंटर होता है, जिसको हम हेड बोल सकते हैं, स्टार्ट, या जिसको आप जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो. सो दैट विल पॉइंट टू योर नोड. ओके, ये जो आपका पॉइंटर होगा, इट विल ऑल्सो टेक सम मेमोरी स्पेस. ओके, तो मतलब इसका जो एड्रेस होगा, सपोज फॉर एन एग्जांपल इसका एड्रेस आपका 200 है, तो इसका जो एड्रेस 200 है वो आपका इसमें स्टोर्ड होगा. ओके, सो दिस इज पॉइंटिंग टू दिस. सो अब हमें करना क्या है, विल टेक दिस नोड, इसका डेटा हम लेंगे, पहली नोड का डेटा हम लेंगे, इस डेटा को हम कंपेयर करेंगे गाइस हर एक नोड के डेटा से, और जो भी हमारा छोटा डेटा होगा, इससे छोटा जो डेटा होगा, हम तुरंत स्वैप कर देंगे. सपोज फॉर एन एग्जांपल मैंने पहले ये लिया, इस वाली नोड के लिए मैं बात करता हूँ, मैंने एक पॉइंटर यहाँ पे लगा दिया सपोज. ओके, पीटीआर मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट करा दिया सपोज फॉर एन एग्जांपल. अब पीटीआर, और मैं क्या करूँगा, इसके आगे मैं एक और पॉइंटर लगा दूंगा, सपोज सीपीटी हम यहाँ पे फिलहाल के लिए ले लेते हैं फॉर एन एग्जांपल. तो इसको मैं कंपेयर करूँगा पीटीआर के डेटा को सीपीटी के डेटा से. अगर मेरा ये डेटा इससे छोटा है तो आई विल स्वैप दी वैल्यूज, तुरंत मैं स्वैप कर दूंगा. तो यहाँ पे मेरी नेक्स्ट स्टेज में क्या सीन हो जाएगा, मेरा 15 यहाँ पर आ जाएगा और 100 यहाँ पर चला जाएगा, है ना. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 और अगली वाली नोड में आपका होगा 100, ऐसे करके हमारा कुछ सिनेरियो बन जाएगा दोस्तों. और फिर उसके बाद हमारा ये तो ऐसे ज़्यादा टेजी रहेगा, 57, 8 आपका, ओके, एंड लास्ट में आपका 20. नल को मैं एक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके, तो ये हो जाएगा. फिर आप क्या करेंगे, आपने अभी यहाँ पे हमारा पीटीआर है. सो गाइस, यहाँ पे हमारा पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है. तो व्हाट वी विल डू इज, सीपीटी तो हमारा यहीं पे था, जब भी हमारे को कोई छोटी वैल्यू मिलेगी या नहीं भी मिलेगी तो हम एंड में सीपीटी को आगे बढ़ाएंगे. जैसे हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया, तो व्हाट विल डू इज सीपीटी के पॉइंटर को हम आगे बढ़ा देंगे. तो सीपीटी विल स्टार्ट नाउ पॉइंटिंग टू दिस. ओके, सो विल कंपेयर दी वैल्यू 15 एंड 57. 15 छोटा है तो इसको हम स्वैप नहीं करेंगे, पॉइंटर को हम आगे बढ़ाएंगे, फिर से सीपीटी को हम यहाँ लेकर के चलेंगे. देन विल सी 15 और 8 में कौन सा छोटा है. तो यहाँ पे हमारा 15 इज ग्रेटर देन 8, दैट्स वाई छोटी वैल्यू 8 है, हम इसको स्वैप कर देंगे तुरंत. तो हमारा क्या सिनेरियो बन जाएगा, 8 हमारा बिगिनिंग में आ जाएगा. ओके, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी स्वैप हुई है, तो ये तो आपकी एज इट इज रहेगी 100, ये भी आपका एज इट इज रहेगा 57. ओके, और फिर ये जो आपकी 15 वैल्यू है ये आपकी यहाँ पर आ गई है. ओके, 8 यहाँ पहुँच गया, 15 वहाँ पहुँच गया, और फिर लास्ट में आपका 20 वैल्यू तो एज इट इज ही रहेगा. तो ऐसे सिनेरियो बन जाएगा हमारा, पीटीआर इज स्टिल पॉइंटिंग टू दिस ओनली. हमने यहाँ पे स्वैपिंग के बाद हम क्या करेंगे, जैसी हमारी स्वैपिंग होगी गाइस, हम लूप में सीपीटी के पॉइंटर को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमें हर नोड की वैल्यू से उसको कंपेयर करवाना है ना. तो अब सी पी टी आगे बढ़ेगा इससे, तो 20 आ जाएगा. नाउ विल कंपेयर इफ इज 8 ग्रेटर देन 20, नो. तो फिर सिंपल हम सी पी टी को आगे बढ़ा देंगे, तो एंड में क्या होगा, इसका सी पी टी हमारा नल हो जाएगा, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू आगे है ही नहीं. तो सी पी टी विल नाउ बी नल. तो नल होने से क्या मतलब होगा, हम अपना लूप को बाहर आ जाएंगे. तो सबसे मतलब इसमें पूरा इट्रिएशन में हुआ क्या, जो आपका सबसे छोटा एलिमेंट था 8 था इस केस में, वो आपका स्टार्टिंग बिगिनिंग में आ गया है ना. तो सबसे छोटा जो एलिमेंट था दैट इज कमिंग इन दी बिगिनिंग ऑफ आर लिंक लिस्ट. फिर हम नेक्स्ट इटरेशन जब दोबारा से परफॉर्म करेंगे, हमारा वाइल लूप चलेगा या फॉर लूप आप जो भी लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, हम इसको नहीं चेंज देखेंगे. क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट जो आपका है वो सबसे आगे आ चुका है. तो यू विल नॉट सी दिस एलिमेंट, आप इसके बाद सेकंड एलिमेंट से कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे. तो 8 हो गया. अब जो हमारा दूसरा लूप चलेगा, सपोज ये तो हमारा फर्स्ट लूप हो गया, इटरेशन हो गया. नाउ सेकंड इटरेशन में हम यहाँ से पीटीआर को लगाएंगे, मतलब हमारा 8 सबसे छोटा एलिमेंट तो आपका आगे आ गया, इसको अब हमें छेड़ने की जरूरत भी नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, अपने सेकंड लूप में जो पीटीआर यहाँ पॉइंट कर रहा था इसको एक आगे शिफ्ट कर देंगे. सो आपका पीटीआर यहाँ पर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा और बाकी आपकी लिंक लिस्ट ऐसी ही रहेगी, 57, 15 एंड देन आपका गाइस 20. ओके, सो जब भी हम अपना इटरेशन स्टार्ट करेंगे, हम पीटीआर के जो भी हमारी नेक्स्ट नोड होगी उसको हम सीपीटी से इनिशियलाइज कर देंगे. तो सीपीटी जो आपका पॉइंटर होगा दैट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड. ओके, तो ऐसे ही करते करते हम इसके लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले वाला किया. 100 को कंपेयर करेंगे 57 से, बड़ा है तो यहाँ पे स्वैप कर देंगे, यहाँ आपका 57 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा. फिर 57 से 15 को कंपेयर करा जाएगा, 15 और छोटा है तो 15 यहाँ आ जाएगा, 57 आपका यहाँ चला जाएगा.
सो गाइज यही प्रोसेस करते करते क्या होगा हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो कि 15 है आपका यहाँ आ जाएगा। ओके 15 आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 100 हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 57। ये सब कैसे होगा हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा। अब हम इसका कोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ये था, हम ऐसे करके इसका प्रोग्राम डिजाइन करने वाले हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट डिजाइनिंग आवर प्रोग्राम। सो गाइज हमने समझा था सबसे पहले हम दो पॉइंटर ले लेंगे, ठीक है। तो लेट अस डिफाइन हियर स्ट्रक्ट नोड स्टार PTR और हम ना स्टार CPT ले लेते हैं। ओके ये हमने दो पॉइंटर्स अपने डिफाइन कर लिए हैं। फिर हम एक पॉइंटर को क्या करेंगे, PTR इक्वल टू हेड। अब हमारा हेड क्या है गाइज, जो हमारा सबसे पहले फ्रंट नोड को पॉइंट करता है। ओके ना, ये मैंने आपको बताया था ऊपर, हेड इज विल बी अ पॉइंटर जो कि आपका फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा हेड है ऑलरेडी हमने ऊपर स्ट्रक्चर में ग्लोबली डिफाइन किया हुआ है, तो हम यहाँ पे पास नहीं कर रहे, वरना आपकी मर्जी, आप यहाँ पे भी पास कर सकते हो। ओके तो हमने फर्स्ट वाले अपने पॉइंटर को हेड पे लगा दिया है, ठीक है। इट विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू योर फर्स्ट नोड, ये हमारा सिनेरियो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, विल चेक हेयर वाइल PTR का लिंक लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। ओके गाइस, सो PTR का लिंक जब तक आपका नल नहीं होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक एंड में जो आपकी सबसे लास्ट नोड होगी, सपोज जैसे ये वाली आप देखें, तो अगर PTR आपका सपोज यहाँ पॉइंट कर रहा है तो PTR का लिंक यहाँ पे नेक्स्ट में नल है, तो मैं इसके आगे क्या कंपैरिजन करूँगा, है ना। तो मेरे को सेकंड लास्ट एलिमेंट तक ही लूप चलाना है, तो ये इसके लिए हमने लूप चलाया। अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ गाइस हमने क्या समझा था, हम PTR को जब भी लगाएंगे हमारा CPT क्या होगा, उसके नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस। सो हम वही करेंगे अभी यहाँ पर अंदर कि CPT विल स्टोर, CPT में हमारी वैल्यू आ जाएगी PTR का लिंक। ओके CPT विल स्टोर योर PTR का लिंक, उसकी नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अब गाइज हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो हमारा एम्प्टी तो नहीं है CPT की वैल्यू, है ना, क्योंकि अगर एम्प्टी होगी तो फिर तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे। सो विल चेक हेयर वाइल CPT इज नॉट इक्वल टू नल। ओके आपका CPT भी नल नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके गाइज तो कुछ ये सिनेरियो हो चुका है, मैंने एक पेज पर ड्रॉ कर दिया है सिंपल। आपका जो पहला है हमने उसको PTR से पॉइंट करा दिया, PTR इक्वल टू हेड। फिर हमने चेक करा इसका लिंक नल तो नहीं है क्योंकि हमें सेकंड लास्ट एलिमेंट तक जाना है, मैंने आपको बताया। फिर हमने क्या किया, CPT जो हमारा पॉइंटर है हमने उसको PTR के नेक्स्ट नोड पे लगा दिया। CPT इक्वल टू PTR का लिंक, है ना, PTR ये है तो इसका लिंक पोर्शन मतलब जो इसका एड्रेस कंटेन करेगा, तो CPT को यहाँ पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा CPT नाउ। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है और एक इसकी अगली नोड पे पॉइंट कर रहा है, आपको डेटा कंपेयर करना है। सो गाइज अगर हमारी ये वैल्यू इससे बड़ी होगी तो फिर हम इसको स्वैप कर देंगे, यहाँ पे है ये क्योंकि 100 हमारा 15 से बड़ा है, तो विल स्वैप दी वैल्यूज। अब हम यही चेक करेंगे इसका डेटा और इसका डेटा। नाउ अब हम देखते हैं कि इफ़ PTR का आपका इन्फॉर्मेशन पार्ट या डेटा पार्ट, आप जो भी जो आपने स्ट्रक्चर में डिफाइन किया हो, इज़ ग्रेटर देन CPT का इन्फो। ओके सो हम क्या करेंगे, विल स्वैप दी वैल्यूज। तो हमें एक इंटीजर टेम्प डिफाइन करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज अगर हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि इंटीजर है, तो विल से हेयर, यहाँ पे हमारा ब्रेस खुला, टेम्प विल स्टोर वैल्यू ऑफ PTR का इन्फॉर्मेशन। ओके दिख रहा है, यस दिख रहा है, टेम्प विल स्टोर PTR का इन्फो, योर PTR का इन्फॉर्मेशन विल स्टोर CPT का इन्फो, एंड योर CPT का इन्फो, जैसे कि हमारा नॉर्मल स्वैपिंग करते हैं ना, टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू टेम्प, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, CPT का इन्फो विल बी इक्वल टू योर टेम्प वेरिएबल। ओके तो ये हमारा वैल्यू स्वैप होने के लिए कोड हो गया सिंपल सा। सो गाइस यहाँ पे हमने वही किया है कि PTR का इन्फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन CPT का इन्फॉर्मेशन, अगर मेरा 100 बड़ा है 15 से, हाँ यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए वैल्यूज। टेम्प्रेरी में PTR की इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, मतलब टेम्प में 100 स्टोर करा, PTR के इन्फॉर्मेशन में मतलब 100 की जगह मैंने यहाँ पे CPT का इन्फो दैट इज 15 यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15। और फिर CPT के इन्फॉर्मेशन में मतलब यहाँ पे टेम्प स्टोर कर दिया, टेम्प में 100 था तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ओके तो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्वैप कर दी है। अब आपको क्या करना है, CPT की वैल्यू को आगे बढ़ाना है, ना, क्योंकि हम हर एक नोड से कंपेयर करेंगे। सो हम लिखेंगे सिंपल CPT इक्वल टू CPT का लिंक पार्ट, मतलब हम इसको आगे पॉइंट करा रहे हैं CPT हमारे यहाँ, CPT इक्वल टू CPT का लिंक मतलब क्या हुआ। सो गाइस CPT इसको पॉइंट कर रहा है, CPT का लिंक मतलब ये वाला पोर्शन जो भी इसका एड्रेस होगा, सपोज एड्रेस इज 500, यहाँ पे 500 स्टोर्ड होगा, CPT का लिंक मतलब ये, तो CPT में हम क्या कर रहे हैं, CPT का लिंक मतलब CPT को हम एक आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो दिस नाउ पॉइंटर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस, तो आपका CPT यहाँ पर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा यहाँ से हटके। तो अब हम इसको इस वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे फिर से, जो हमारा वाइल लूप लगाया ना हमने गाइस,
वो यही काम कर रहा है ये वाला, वाइल सी पी टी इज नॉट इक्वल टू नल, यहाँ पे हमारा लूप बंद कर देंगे हम। फिर से कंपेयर करेगा हमारा कि ये वाली वैल्यू नल तो नहीं है, नहीं है, तो फिर से कंपेयर करेगा इसको और इसको, तो वही पी टी आर का इन्फो को सी पी टी के इन्फो से कंपेयर करेंगे, इस 15 को 13 से कंपेयर करेंगे, अगर हमारी वैल्यू ये छोटी है, हाँ यहाँ पर छोटी है, तो फिर से स्वैप हो जाएगा हमारा ये वाला जो कोड है, तो 13 आपका यहाँ जाएगा, 15 यहाँ चला जाएगा, सो 15 यहाँ आ गया और आपका 13 यहाँ पर आ जाएगा। ओके सो गाइस ऐसे ही करते करते हमारा ये लूप चलता जाएगा, कब तक, हमारा पूरा लास्ट नोड तक कंपेयर हो जाएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपकी सबसे आगे तक आ चुकी होगी। अब हमें क्या करना है, हम सबसे छोटी वैल्यू तो आगे ले आए गाइस, अब हमको नेक्स्ट नोड से स्टार्ट करना है ना, पहली सबसे छोटी वैल्यू जो थी आपकी सबसे आगे आ चुकी है, अब मेरे को पी टी आर को यहाँ पॉइंट कराना पड़ेगा नेक्स्ट नोड पे, और फिर इसको मेरे को सबसे कंपेयर करना है, तो मैं पी टी आर की वैल्यू को अब आगे बढ़ा दूंगा, सो पी टी आर विल बी इक्वल टू पी टी आर का लिंक। ओके यहाँ पे हमारा वाइल लूप ऊपर वाला बंद हो जाएगा, सो आपका ये वाला वाइल लूप यहाँ पर बंद हो गया है, पेन इज नॉट वर्किंग व्हाट, ओके, और जो आपका ऊपर वाला लूप है वो यहाँ बंद हो गया। सो गाइज ये हमारा हो गया पूरा सॉर्टिंग का कोड। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके फिर से समझाऊँ पूरा डिटेल में, फिर से लेके चलते हैं एक बारी, तो आपकी एक नोड है, लिंक लिस्ट है, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एक पॉइंटर लिया, आपने सबसे पहली नोड को पॉइंट करा दिया, ओके ये रहा पी टी आर इक्वल टू हेड, हेड हमारा सबसे पहली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ओके आपका हेड पॉइंटर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस फर्स्ट नोड हमेशा। फिर हमने चेक किया पी टी आर का लिंक हमारा नल तो नहीं है, हाँ हमारा पी टी आर का जो लिंक है नल नहीं है, तो सही है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, सी पी टी इक्वल टू पी टी आर का लिंक, हमने सी पी टी को क्या किया, इसके अगले वाली नोड को हमने सी पी टी से पॉइंट करा दिया, एक पॉइंटर है, इट विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस। फिर सिंपली हम चेक करें सी पी टी नल तो नहीं, क्योंकि अगर नल होगा तो हम वैल्यूज कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फिर पी टी आर का इन्फॉर्मेशन हम अब क्या कर रहे हैं, इसका पार्ट चेक कर रहे हैं कि इसका डेटा और इसका डेटा जो भी बड़ा है, मतलब अगर ये डेटा मेरा इससे बड़ा है तो मैं स्वैप कर दूंगा, मतलब क्योंकि छोटी वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, तो आई एम कंपेयरिंग कि पी टी आर का इन्फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन सी पी टी का इन्फॉर्मेशन, पी टी आर का इन्फो मतलब 25 इज ग्रेटर देन 5, येस ट्रू, कंडीशन ट्रू हुआ, तो स्वैप कर दिया हमने सिंपल टेम्प इक्वल टू पी टी आर का इन्फो, ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ, स्वैपिंग हो गई। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा, मैं बना के दिखा देता हूँ सिंपल सा, आपका 5 यहाँ पर एक नोड बन गई गाइस, ओके सो स्वैप करने के बाद 5 यहाँ आ गया, 25 यहाँ आ गया, तो अब उसके बाद स्वैप हुआ, फिर आपने क्या कहा सी पी टी इक्वल टू सी पी टी का लिंक, क्यों, क्योंकि हमें इस वाली को सबसे कंपेयर करना है, तो आपका सी पी टी यहाँ पे था, सी पी टी का लिंक मतलब अगली वाली नोड, तो आपका जो सी पी टी पॉइंटर है गाइस इट विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नेक्स्ट नोड। ओके नाउ हमने इसके बाद ये खत्म हुआ, फिर वाइल लूप फिर से चलेगा, आपका सी पी टी इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, नल नहीं है आपका, है ना, दैट्स व्हाई फिर से कंपेयर करेंगे हम अपना पी टी आर के इन्फॉर्मेशन को और इसके इन्फॉर्मेशन से, सो पी टी आर का इन्फो हमारा बड़ा है कि नहीं है सी पी टी से, हमारा पी टी आर का इन्फॉर्मेशन गाइस यहाँ पे फॉल्स हो गया, कंडीशन 5 इज नॉट ग्रेटर देन 15, तो इसलिए ये वाला लूप इफ कंडीशन नहीं चलेगा, फिर सी पी टी आर का आगे बढ़ जाएगा, सी पी टी विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड। ओके यहाँ से हटके फिर से हमारा क्या होगा, लूप चलेगा सी पी टी नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, फिर से आप चेक करेंगे कि 5 ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है, है, फिर से कंडीशन ट्रू हुई, तो आपका ये वाला स्वैपिंग का कोड चलेगा, ये वाला आपका, फिर स्वैप होंगी वैल्यूज, तो आपका क्या आंसर आएगा, 3 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 के बदले, ओके, और आपका 5 जो है वो यहाँ पे सिंपली ये आ जाएगा। अब क्या होगा, सी पी टी इक्वल टू सी पी टी का नेक्स्ट, सी पी टी आप आगे ले जाएंगे तो सी पी टी की वैल्यू यहाँ से हटके आपकी हो जाएगी नल, ओके एन यू एल एल, नल हो गई। अब नल हो गई मतलब हमें आगे नहीं चलना, क्योंकि हमारा लूप कह रहा है सी पी टी आर, सी पी टी इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स, दैट्स वाई अब लूप आपका खत्म, बाहर आएगी कंडीशन पी टी आर इक्वल टू पी टी आर का लिंक, ये क्यों कर रहे हैं, अब आपका सबसे छोटा एलिमेंट सबसे आगे आ चुका है, अब हमको क्या करना है, पी टी आर को एक आगे बढ़ाना है और हमें यहाँ से सारी वैल्यूज कंपेयर करनी है आगे से, है ना, तो अब हम इसका सेकंड इटरेशन देखते हैं। सो गाइस पी टी आर ने अगली नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, आपका लूप खत्म, फिर से ऊपर जाएगा पी टी आर, पी टी आर का लिंक इज नॉट इक्वल टू नल चेक करेगा, पी टी आर का लिंक मतलब इसकी अगली वाली नोड नल नहीं है, बिल्कुल सही है, फिर सी पी टी को क्या करा हमने, इसे आगे लगा दिया, तो पी टी आर के नेक्स्ट नोड को आपने कहा सी पी टी हो गई आपकी ये वाली नोड, फिर से हमने चेक करा सी पी टी इज नॉट इक्वल टू नल, सही बात है आपके सी पी टी नल नहीं है, तो फिर चेक करेंगे पी टी आर और सी पी टी का इन्फॉर्मेशन, आप 25 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन आपकी फिर से ट्रू हो गई, सो आपकी ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, सो 15 विल कम ओवर हेयर, आपका यहाँ 15 हो जाएगा और 25 के बदले 25 आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, स्वैपिंग हुई। फिर अपने कहा सी पी टी इक्वल टू सी पी टी का लिंक, सी पी टी का लिंक यहाँ से हटेगा आपका, नाउ सी पी टी विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड आपका, ओके फिर उसके बाद फिर से चेक करेंगे सी पी टी नल तो नहीं है, नहीं नल नहीं है, इसमें वैल्यू है क्योंकि, दैट्स वाई, फिर आप कंपेयर करेंगे 15 इज ग्रेटर देन 5, येस कंडीशन ट्रू फिर से, तो 5 वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ओके ये पूरा हटके आपकी वैल्यू हो गई 5 एंड 15 आपका यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हमने वैल्यूज स्वैप कर दी हैं आपकी, ओके 15 यहाँ आ गया। फिर सी पी टी को नेक्स्ट करेंगे तो आपका सी पी टी फिर से क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो लूप बंद होगा आपका, फिर पी टी आर को आगे शिफ्ट कर देंगे आप, है ना। सो गाइस पी टी आर हमारा सेकंड नोड पे था पहले, अब थर्ड नोड पे पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, सो जो आपका पी टी आर है इस वाली नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ओके पी टी आर विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड, फिर से हमारा पूरा प्रोसेस वही रिपीट होगा गाइस,
कि ptr का लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, ऑब्वियसली सही बात है, इसका लिंक नल नहीं क्योंकि आगे नोड है, फिर हम cpt को इसकी अगली वाली नोड बना देंगे। सो अगर आपका ptr ये था गाइस, ओके दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो आपका ये वाला जो नोड हो गया ये क्या हो गया आपका cpt। फिर से यही प्रोसेस चलेगा और आपका ऐसी करते करते वैल्यू 15 यहाँ आ जाएगी एंड में और 25 यहाँ पर आ जाएगा और आपका पूरा लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज ये था आपका सॉर्टिंग का प्रोसीड्योर। गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को। अंटिल द टाइम टेक केयर, गुड बाय।